अरे पिजप ना ना नहीं यार ना आएगा तेरा बाप भी ना बाप तो मैं ही हूँ अरे क्या जमाना आ गया नेवलों की ठुकाई देख रहा हूँ ओ जीवे का ना मूत लगा ले तो बाकी मैंने गलती कर दी है वो गलती तुम मत करना तो हाँ भी मेरे जी ग्रुप क्या हाल चाल सभी को जय श्री श्याम भाइयों को राम राम तो स्वागत है आज की तड़कतेदार भड़कतेदार नहीं बोलने होगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये तड़कतेदार होगा या भड़कतेदार होगा आई डोंट नो क्योंकि भाई अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तुम कहोगे जतिन भाई 8 बजे बड़ी जल्दी उठ गए तैयार शार हो गए था थिंग इज घंटा हम सोए ही नहीं है भाई सोए ही नहीं है और अपना तुषार भाई खड़ा है बाहर अपना भांड भाई डॉगी के साथ और हमारे बीच में जो भी लड़ाई चल रही है वो लड़ाई इस चीज़ को लेकर चल रही है दो तीन थिंग इज हम दोनों में लड़ाई इस चीज़ को लेके चल रही है क्योंकि ना जिमी ने पूरी हालत घर की खराब कर रखी है बिल्कुल खराब ये सारा अंदर का रूम भी खराब हुआ पड़ा है तो मैं थोड़ी हालत दिखाता हूँ घर की देखो यहाँ पे इसने फाड़ रखा है सारा खराब सू पॉटी के निशान सू ठीक है यहाँ पे सारा बर्तन वर्तन खराब कर रखे है तो पूरा जिमी ने ना हमारी दबा के ले रखी है हम दोनों सोए नहीं है पिछले दो रातों से हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए हैं पहले तो मैं इवेंट के चक्कर में नहीं सो पाया जो मैं इवेंट किया तुमने मैंने व्लॉग डाला है और अगर तुमने वो व्लॉग नहीं देखा तो ये रहा व्लॉग जाकर देखो तुम्हारा भाई बादशाह से मिलकर आया था बड़ी बातचीत हो रही है तुम्हारे भाई की हमेशा भौंकती है मेरे काम के बीच में हम दोनों के बीच में भी लड़ाई इस चीज़ को लेकर हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि ये जाके दुकान से दही ले आए छोड़ो तो मैं वहीं से पूछवा देता हूँ तुषार भाई देख भाई अब तो ऑडियंस भी सुन रही है देख नहीं बात सुन ध्यान से सुन देख मैं तेरे से ये बोल रहा हूँ अबे चप्पल छोड़ना चप्पल देखो मुझे कर कैसे कुत्ते को मारता है तो थिंग इस कुत्ते ने पूरे घर की हालत ख़राब कर रखी है और मैं इसके ना हाथों में दिक्कत होगी पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो रहा है तो इसने बोला जतिन भाई तू कर दे मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई मैं कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं भाई मत कर इधर सुन पूरा व्लॉग सुन द थिंग इज मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई देख सारा झाड़ू पोछा मैं कर दूंगा खाने का बर्तन भी मैं धो दूंगा खिला भी मैं दूंगा अंदर से लेकर बाहर तक का सारा कमरा मैं कर दूंगा ठीक है इसको वॉक पे भी लेकर चला जाऊंगा ये कह रहा है मैं दुकान से भी दही लेकर नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ भाई मैं भी इसके साथ दो दिन से उठा हूँ और ये भी अच्छे से जानता है इस बात को इसने देखा भी है प्रॉपर सबूत बड़ा बिजी है मैं तो कपड़े भी चेंज नहीं किए देख कब के भाई मेरे देख लेना टांगों के बाल दिखा दूंगा ना जंगल ऑडियंस डर जाएगी तो क्या मैं भी शॉर्ट्स में हूँ मैंने भी अभी जस्ट कपड़े पहने ब्लॉकर में बनियान में घूम रहा था और मैं चाहता हूँ ये चला जाए अभी कह रहा है मुझे नहीं जाना मैंने कहा ठीक है भाई फिर मैं चला जाता हूँ भाई मैं चला जाता हूँ तो फिर तू काम कर तू ये पोछा पोछा मार ले फिर घर में धो धो के ठीक है मैं चला जाता हूँ कर लेगा ना सारा फिर सारा क्या है ये पोछा पोछा मारना पोछा कर लियो मैं अंदर का कर रहा हूं अंदर का करना ही क्या जब तक दही नहीं आएगा बनेगा क्या मैं करता हूँ तब तक अबे करेगा क्या जब दही नहीं आएगा दोबारा धोए था तू ले आवा मैं मेहनत नहीं कर रहा क्या मैं नहीं थकता क्या मतलब तू सोच रहा है मैं नहीं थकता क्या भाई मैं भी तेरे साथ में हूँ भाई इवेंट के लिए उठा मैं पहली रात ठीक है उसके बाद तेको पता मुझे वीडियो डालनी थी मैंने आई नो भाई तेरा दिक्कत हो रही है बट मेरा भी बड़ा दर्द समझ तू दही भी मना कर रहा है मैं तो खुद मना कर रहा हूँ मच्छू तो कह रहा हूँ दही लिया तो सुन नहीं रहा दूंगा इसका नहीं पता कोई अच्छा कपड़ा दे दो फिर साफ कर दे दो अच्छा कपड़ा का उसे धोना पड़ेगा यार अच्छा कपड़ा ही नहीं हम पे तो धो ही नहीं सकता इसे कितना वो कर रखा देगा अंदर अंदर क्या भर रहा है तो रगड़ के धोना पड़ेगा जैसे मैं धोकर रखता हूँ उसे आज मैं अपनी प्यारी सी ये सुनहरी बाल वाली टांगे लेकर जाऊंगा जिसे मुझे बहुत प्यार है एक टाइम ऐसा था कि मैं बाल वाली टांगों को लेकर जा नहीं पाता था फिर मेरी लाइफ में यूट्यूब आया जिसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और अब मैं अपने सुरक्षित काले घने बाल लेकर कहीं पे भी जा सकता हूँ चल भाई मैं आया जिमी में से बो आ रही उसको नहला दे क्या आज ठंड तो है नहीं जिमी ओ इधरा इधरा ये क्या ओ बाकी यार पूरा देखियो क्या हाल कर दिया इसने यार राम जादे ते को हिला दे जिमी इसे पैडल बढ़िया लग रहा है अपने टॉयज से अच्छा अबे तो पैडल है क्या दिमाग से पैडल है तो दिमाग से पैडल है ओ चप्पल दू अगर इस ऐसे करने पे यूट्यूब पे कोई येलो डॉलर स्ट्राइक नहीं आती तो फिर अबे तार इसने काट दी पूरी तार और क्या देख तो मैं भाई क्या लौट गया यार ये पिंपल देखता है ऐसा करके जीजा में
तगड़ी लोंडियों वाली हरकतें करता है यार तू भी। तो द थिंग इज जिग्रोज, मैंने खुद ही बाहर आ गया दही लेने के लिए, उसने मुझे मना नहीं करा, बट द थिंग इज मैं जैसे उससे मजे ले रहा था जानबूझ के कि तू जा मजा आता ना था लड़ने में कलेश करने में दोस्त के साथ, वही बक छुप रहा था कलेश करने में मजा आ रहा था, क्योंकि यार उस जब मेरे हाथ पर इन्फेक्शन हुआ था ना तो उसने मुझे बहुत 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 ज़्यादा साथ दिया था, उसने मुझे टच भी नहीं करने दी थी कोई भी चीज़ जैसे कि साबुन वगैरह कुछ भी। तो अगर अब मेरे भाई का दिक्कत है तो मेरा फर्ज बनता है, और मेरे होते मेरा भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। आधा किलो दही दे दो। सो यार जिग्रोस, फरनाइल लेने गया था, बिस्किट और नमकीन लेकर आ रहा हूँ। अरे सुबह उठने में एक अलग वाइब तो है, बस आँख ही नहीं खुलती। तुषार भाई ले दही ले। खुशी देख रहे बहन की यार, खुशी चेक करो भाई के चेहरे पे। अरे यार ले ही आया मैं यार, मैंने मेरे भाई के हाथ पे मेहंदी लगी है कि उसकी सगाई टूट जाए, मैंने कहा मैं ही ले आऊँ। हाँ जी जिग्रोस, हालत हो गई है बहुत ज़्यादा बुरी, पूरे घर को चमका डाला एकदम, बिल्कुल चमका दिया पूरे घर को, हालत बुरी हो गई है। भाई से मैंने कोई काम नहीं कराया, एक दो काम कराए थे बस। आपकी चाय इतनी मस्त, रोटी और चाय कलर बिल्कुल सेम टू सेम, मजा आ गया देख के। चलो भाई अब खाएंगे रोटी शोटी, फिर चलेंगे जिमी को घुमाने। आजा चल पार्क, चल चल अंदर, चल चलो 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 चलो। अरे कहाँ से घुस रहा है यार, इतना बड़ा गेट नहीं दिख रहा। आई नो जिग्रोस, तुम में से बहुत से लोग बोलने वाले हो कि भाई कुत्ते को टाइमिंग होती है घुमाने की दिन में, ना कि दोपहर में धूप में घुमाया जाता है। बट दब आई थिंक इस मेरे घर के सामने वाला जो पार्क है ना, वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना, इतनी ज्यादा भीड़ ये मुझे खींच के ले जा रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है जिस वजह से ना मुझे इसको शाम को जाना पड़ता ताकि किसी भी अटैक ना करे या काटे वाटे ना। और अभी देखो बच्चों को देखे कितनी ज्यादा एक्साइट हो रही है, कितनी ज्यादा ये देखो। तो जिग्रो जिमी को रनिंग कराने के चक्कर में मैं खुद इतना ज्यादा थक जाता हूँ ना, मेरी खुद इतनी ज्यादा सांस फूल जाती है कि भाई मैं क्या बताऊँ। जहाँ तक मुझे लगता है इसका रीजन है मेरे अंदर शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है, और तुम्हें पता है कि मेन के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखना कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बियर्ड ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ, यहाँ तक कि हमारी आवाज को भी भारी करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अगर माना जाए ना तो हमारे लिए हीरा है हीरा। और अगर तुम्हें पता ही हो तो कि मार्केट में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, और भाई वो कितने ज्यादा रिस्क है, लेकिन हमको चाहिए कुछ नेचुरल वा, यानी कि बिल्कुल नेचुरल। तो ये है मैनिश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो कि 100% नेचुरल है। और अगर बात की जाए इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें गोकरू बड़ा, ताल मखाना, सफेद मुसली, जयंती, अश्वगंधा और भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो मैं तो इसको यूज करता हूँ, और अगर आप भी एटिन प्लस हो तो आप भी अपने डॉक्टर की सलाह से इसको यूज कर सकते हो। अब तुम कहोगे ये मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक भी है, जाकर ले सकते हो। तो भाई जिमी को रनिंग कराने के चक्कर में मैं खुद इतना ज्यादा थक जाता हूँ, मेरी इतनी सांस फूल जाती है, जहां तक मुझे लगता है इसका रीजन ये है कि क्या चल रहा है आगे। ज़ूम कर दे थोड़ा। जिमी देख तू भी देख ले। अबे क्या जमाना आ गया, नेवलों की ठुकाई देख रहा हूँ पार्क में। तो भाई हमारा जिमी अब चलते हैं घर पे प्ले स्कूल। उसने गुब्बारा मारा है, गुब्बारा है पन्नी है, जो भी है उसका बाप बड़ा गरीब है बेचारे को गुब्बारे दिला दो यार, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज भाई को गुब्बारा दिलाओ। तो भाई सबसे पहले जिमी को नहलाते हैं क्योंकि बहुत बदबू आ रही है, उसके बाद फिर हम लोग नहाते हैं, फिर मंदिर वगैरह जाएंगे। सारा डन हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है, तो सारा डन हो चुका है, पानी गर्म हो चुका है, इसको अब बात देते हैं बात। इधर ज्यादा देरी ना करते हुए, धूप जहाँ पहले इतनी तक थी अब इतनी सी धूप रह गई है, आराम से उसमें बैठा के इसको आराम से बात देता हूँ। कद देख रहे हो इसकी, ये देख रहे हो हरकत, नाना नहीं है, नाना नहीं है, तेरा बाप भी बाप तो मैं ही हूँ भाई। आप इसको नहलाना ही, उछल उछल के भाग रहे। अरे मेरे पे मत चढ़ भाई, मैं गीला हो जाऊंगा यार, समझ। याद है रॉक्सी को कैसे नहलाया था, कहीं मैं गीला हो जाऊंगा यार। एक बकरी देख रहे बकरी को, वैसे ये चिल्ला नहीं रही उसकी तरह, रॉक्सी की तरह, याद है ना? रॉक्सी नहीं, एलेक्स। एलेक्स तो भाई हमने ना बहुत पहले एक एलेक्स नाम की कुतिया ही पाली थी, यानी कि एक डॉग ही पाला था, तो उसका भी ये सीन था। मेरे श्याम बाबा थोड़ा हवा कम कर दो, हमने उसका डॉग ही पाला था, तो उसमें ना ये प्रॉब्लम थी भाई, वो ना बहुत चिल्लाती थी आते समय, मतलब ये भी कुछ कम नहीं है पर चिल्ला नहीं रही सही एक तरह से। अरे पिजप कई बार कान भी टूट जाते हैं, कानों की नसें दब जाती है ना, फिर कान खड़े नहीं होते प्रॉपर, पहली तरह खड़े नहीं हो रहा, तेरे तो कुछ भी खड़ा नहीं हो रहा। कैसी लग रही है आगे से देखियो। गली का कुत्ता। ओ भाई आ मेरी गली के कुत्ते, क्या तमीज दौर है यार। हाँ चुपचाप ना। वेरी गुड जिमी, वेरी गुड, स्टे स्टे बेटा स्टे।
अच्छा लग रहा है बाती बाती नाना डॉग देख रहा हूँ उसको मजा आ रहा है नहाने में बड़ी बड़ी तमीजदार है यार मजा आ जाएगा फिर तो गर्मियों में मेरे को मजा आ जाएगा फिर इतनी गंदी होती है पता है देख कितना सारी मैल तुझे भाई जब भी तुम डॉग को नहलाओ ना तो भाई उसका ना एक बार मुंह पकड़ के ऐसे कर दो ना कि नाक वगैरह में या कहीं भी जो पानी होता है ना ऐसे निचोड़ने से निकल जाता है पहले से एक्स्ट्रा पानी सोख ले पर दूसरे पूरा ही सुखा दियो कांप रही है बहुत ज्यादा कांप रही है तो भाई देखो ये प्रॉपर सूख चुके और एकदम चमक रही है भाई अब धूप में से अच्छा लग रहा है ना कापना भी बंद कर दिया बाकी ये जो बाल है हल्के ये तो कॉम से करने पड़ेंगे बता सकते बाकी मैंने गलती कर दी है वो गलती तुम मत करना हमेशा कान में कॉटन डाली जाती है नहलाने से पहले वो अच्छा नहीं तो पानी चला जाता है ना पानी चला जाता है तो भाई थोड़ी देर में इसको धूप में बैठाने वाला हूँ ताकि थोड़ा इसको धूप लग जाए उसके बाद फिर मैं नीचे लेके चला जाऊंगा इसे ये चबाना है भूखी औरत तेरे से ये ना तेरा दांत टूट जाएगा चबेगा तेरी पुश्ते भी नहीं चबा पाएंगे इसको तो हाँ जी करो जिम्मी को धूप लग गई है मैं भी बहुत घटिया गंदा सा इंसान बन रहा हूँ बिल्कुल बाल्टी बाल्टी लेके अब मैं भी नहाएगा जाके नीचे तो तुम्हारे पास जर्मन शेफर्ड तो डॉग को तुम इस तरीके से खाना दो उसके पैर ऊपर रख के और इस तरीके से खाना दो इससे क्या होगा इनकी हाइट लंबी होगी और इनकी जो पीठ पीछे से नीचे जाती है ना एकदम झुकी हुई वो अच्छे से निखर के आएगी बड़े होते होते तो हाँ जी जिगरों 6 बज रहे हैं और तुम्हारा भाई जस्ट अभी अभी उठा है क्योंकि भाई नहा धुला के मुझको नहाया मुझे भी नींद आ गई थी और ये बंदी भाई इतनी तगड़ी नींद में सोई पड़ी अब जाके उठी और अभी भी इसका खाना तैयार हो रहा है और ये आराम से बैठ के अपना खाना तैयार होते हुए देख रही है जिमी ऐसे बोलियो हाय से हाय से हाय अभी तो मस्ती क्यों होने पता है खाने के टाइम पे तो इतनी खुश हो जाती है ना जिसकी कोई हद नहीं है दिशा खाने के टाइम में इसकी खुशी इतनी नेक्स्ट लेवल होती है ना कोई हद नहीं है उसकी भाई अरे बस तो हाँ जी जिगरों हमारा खाना बिल्कुल हमारा जिमी का जिमी का खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये रहा जिमी का पानी का डोंगा ठीक है और अब मैं तुमको अपनी ट्रेनिंग दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने जिमी को कैसे ट्रेन करा इसकी जो फूड पोजेसिवनेस है उसे मैंने कैसे कम करा है सो लेट्स सी ये फूड तैयार हो चुका है अभी देखना जिमी कम स्टे स्टे गुड ठीक है स्टे ये अभी बैठी हुई है यहाँ से मैं अपना पानी का डोंगा लेकर जाऊंगा आराम से भरूंगा ये हिलेगी नहीं तो भाई ये रहा जिमी का हमने डोंगा भर लिया पानी का तो जिमी अभी भी नीचे है देखो और अभी भी ये हिलेगी नहीं तो पानी यहाँ रखा है स्टे ओके मैंने यहाँ पे पानी रख दिया ओके आप मुझे बहुत से लोग जैसे कमेंट्स कर रहे थे ना कि भाई मैंने जिमी को स्टे वगैरह सिखाओ फिर ट्रेनिंग सिखाओ मैंने काफ़ी ट्रेनिंग सिखाई है बट मैं इसका ब्लॉग बनाने का सोच रहा था बट मैंने कहा यार जनता को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है ये सब तो बाकी ब्लॉगर्स भी दिखा रहे हैं बाकी यार बेचारी बहुत देर से वेट कर रही है तो जस्ट आयो मैं जो कहूँगा खा ले टेक इट भाई ये यही खाने तो ये थोड़ी हमारी ट्रेनिंग है हमने ना मेन इसको पेशेंस लेवल सिखाना है कि भाई पेशेंस नाम की भी एक चीज़ होती है ठीक है इसका सिखाने का मतलब ये नहीं कि जब मैं कहूँगा तो अब खाएगी वगैरह वगैरह उसको रोक के रखना मेन है इसमें पेशेंस को डेवलप करना अगर पेशेंस ऐसे गार्ड डॉग्स में डेवलप ना होना तो बड़े हो गए ना भाई बहुत दिक्कत करते हैं अभी तो मैंने मार भी सकते हो बड़े हो गए तुम्हारी मार सकते हैं सुहान जी जिगर उस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड आई होप आपको ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और हमारी बेचारी मम्मी को बुखार चढ़ गया है क्या मम्मी चलो दवाई दिलाने ले चलता हूँ तो चलो भाई मम्मी को दवाई दिलाने लेकर जा रहा हूँ दवाई दिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ तब तक हमारा छोटा सा एक प्यारा सा ब्लॉग था जिमी को हमने नहलाया बस यही सब था तो तब तक के लिए अगर पसंद आया तो लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो और कोई मन की बात हो तो आके इंस्टाग्राम पे कह दो और फिर तब तक के लिए जय श्री श्याम जय श्री राम।